हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। मेरा नाम जी रितु है और मैं जीव विज्ञान की बायोलॉजी की लेक्चरर हूँ स्कूल में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जी जो मेरे बारे में फैला रखी हैं बातें वो बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि मेरे साथ मारपिटाई हुई है। मनजीत मैडम और प्रिंसिपल मैडम ने ये सब मिल के साजिश के तहत किया है जी। ये सारा पहले प्लानिंग से था क्योंकि प्रिंसिपल मैडम जो है वो काफ़ी टाइम से कई महीनों से मेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। उसके बारे में मैंने 7 मई को शिकायत भी की थी जी ऊपर डायरेक्टर DSC पंचकुला में और DO सोनीपत में, पहले भी शिकायत की है मैंने। तो बहुत टाइम से परेशान कर रही है। तो ये प्लानिंग से हुआ है, प्रिंसिपल मैडम ने किया है सिर्फ इस वजह से कि भाई अपने को दिखा लूँ मैं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल मैडम जो है काफ़ी टाइम से टॉर्चर कर रही हैं। उन्होंने मेरी फरवरी की सैलरी भी मेरी जो है 7 मई को आई है, जब मैंने डायरेक्टर सर को DO सर को जब मेल डाल ली उसके बाद सैलरी निकलवाई है। मार्च की भी मेरी अधूरा वेतन निकलवाया गया। तो मैं इन सब चीज़ों का सर मैंने विरोध किया, इस वजह से मेरे साथ टॉर्चर किए गए। और रही वीडियो की बात, तो वीडियो तो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई थी कि बच्चे शोर कर रहे हैं। मैं साइड वाली क्लास में थी कि बेटा शोर कर रहे हो आप, मैं चुप करवा के भी वापस आ गई। दोबारा मैं गई कि बच्चे लड़ रहे हैं, तो वो बच्चों को ये हो जाएगा कि भाई मैं तुम्हारी वीडियो जो है मैडम को दिखा दूँगी। और प्रिंसिपल मैडम उल्टा मुझ पर ब्लेम लगाते हैं कि आप क्लास नहीं लेते, और क्लासेस हमेशा खाली पड़ी रहती हैं जी स्कूल में। जो प्रिंसिपल मैडम के फेवरेट हैं मैडम उन्हें अपने पास बिठा के रखती हैं घंटों, और वो क्लासेस सारी हमेशा खाली पड़ रही हैं जी। दिल रोता है हमारा कि बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ हमें सरकार इतनी सैलरी देती है और क्लासेस खाली पड़ी हैं। तो मुझे मैडम को दिखाना था सिर्फ प्रिंसिपल मैम को कि मैम मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच कहती हूँ क्लासेस खाली हैं। तो ये प्लानिंग के साथ हुआ है मेरे साथ। और हम स्कूल में पढ़ाने आते हैं ना कि हम कोई साजिश रचने। तो जी टॉर्चर किया जा रहा है मुझे। मैं अपने रिजल्ट की बताऊँ, मेरा जो रिजल्ट है हम पढ़ाने आते हैं यहाँ पे, इतने सालों का मेरा रिकॉर्ड निकलवाओ। 10 साल से मैं टीचिंग में हूँ जी बायोलॉजी का, मेरा आज तक का 100% रिजल्ट रहा है। अब की बार की बात करें आप, एक बच्चे के बायोलॉजी में 100 out of 100 है। तो सर बताओ इससे ज़्यादा हम क्या करें, मतलब क्या जी हुजूरी इतनी ज़रूरी है आज के टाइम पे कि चापलूसी ही सब कुछ है कि जो विरोध करेगा गलत बातों का उसके साथ ये होगा। मैंने कोई गाली नहीं दी किसी को, कोई मार पिटाई नहीं करी। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।